नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं अमित भोबिया। आज हम आपको भारत के सैनिकों को दिए जाने वाले एक सुरक्षा कवच के बारे में बताएंगे। ऐसा सुरक्षा कवच जो हमारे सैनिकों की रक्षा करेगा, वो सुरक्षा कवच जिसकी हमारी सेना हमेशा से मांग करती रही थी, लेकिन बहुत समय बाद अब मोदी सरकार सेना को ये सुरक्षा कवच देने जा रही है। भारतीय सेना ने कश्मीरी घाटी में आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम देने वाले सैनिकों के लिए पहली बार 40,000 स्वदेशी बुलेटप्रूफ जैकेट दी हैं। मैंने यहाँ बोला स्वदेशी, जी हाँ, ये सब जैकेट भारत में बनाई गई हैं। SMPP प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हम सेना के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट के ऑर्डर को अच्छी तरह से समय से पहले पूरा कर देंगे। ये कंपनी ही इन जैकेट्स को बना रही है। दरअसल पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी निर्माता SMPP लिमिटेड को 1,86,000 जैकेट बनाने का ठेका दिया था और इसके लिए सरकार ने कंपनी को 2021 तक की तारीख दी थी, लेकिन कंपनी ने पहले ही साल में 36,000 बुलेटप्रूफ जैकेट बनाकर सेना को दे दी और अब 40,000 जैकेट और बनाकर दे दी है। सोच कर देखिए दोस्तों, कंपनी अपने ऑर्डर को कितना जल्दी पूरा कर रही है। जो ऑर्डर उन्हें 2021 में देना था, उसका लगभग आधा ऑर्डर तो कंपनी ने 2019 में ही पूरा कर दिया। अब कंपनी का कहना है कि हम 2021 छोड़िए, 2020 के अंत से पहले पहले सारी की सारी बुलेटप्रूफ जैकेट बनाकर सेना को दे देंगे, यानी 1,80,000 जैकेट सेना को मिल जाएंगी। वैसे पता चला है कि जैकेटों को कानपुर के केंद्रीय ऑर्डिनेंस डिपो को दिया गया है, यानी वहाँ इनकी आपूर्ति की जा रही है। इसके बाद यहाँ से ये जैकेट जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर ज़्यादा हिंसा वाला एरिया है वहाँ पर भेजी जा रही हैं, सेना को दी जा रही है। कंपनी का दावा है कि ये बुलेटप्रूफ जैकेट AK-47 के हमले का भी सामना कर सकती है। देश में बनी ये बुलेटप्रूफ जैकेट हार्ड स्टील से बनी गोलियों को भी झेल सकती है। AK-47 हो चाहे आतंकियों के पास रहने वाले कई और घातक हथियार, ये सब इस जैकेट के सामने बेअसर होंगे। इसी के साथ ये कंपनी बुलेटप्रूफ हेलमेट भी बना रही है जो AK-47 की गोलियों के साथ साथ कई तरह के गोलों का भी सामना कर सकती है, उन्हें भी सहन कर सकता है। इस हेलमेट में फेशियल वियर भी होगा, यानी चेहरे को ढकने वाला भी। SMPP प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मेजर जनरल अनिल ओबराई का कहना है कि हमें अपने सैनिकों के सिर से लेकर पैर तक का ख्याल है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारी सेना को जैकेट के रूप में सुरक्षा कवच मिले हैं, और खुशी की बात तो ये है कि इन्हें बनाने का ठेका लेने वाली कंपनी ने समय से पहले इन्हें बना दिया है। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उस कंपनी को आप क्या बधाई देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए VK न्यूज़।